भाई इधर चने और साथ में आलू की ग्रेवी बढ़िया सी मिल जाती है और साथ में ये प्याज और नींबू का अचार और ये चीज़ बड़ी अलग है ये वाली। ये क्या इसे क्या आलू का चाट? ये आलू का चाट है भाई, नेचुरल कलर है भाई, कोई एडिड कलर नहीं है। ये देखो पहुंच चुके हैं भाई जनकराज पूरी वाले भैया के पास। इनके पास यार पूरी काफी ज्यादा बढ़िया आती है। ब्रेकफास्ट में यहाँ काफी ज्यादा क्राउड होता है भाई, बस वाले लोग आते हैं ना ब्रेकफास्ट यही करते हैं। सो आज हम भी ट्राई करने वाले कि देखते हैं कि क्या क्या उसका टेस्ट है, क्या उसका प्राइस है। आ जाओ भाई। भैया अपनी स्टॉल के बारे में जरा बताइए कि कब से ये स्टार्ट हुई है और क्या चीज़ कब से? ये 1972 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, जनकराज पूरी वाला सबसे मशहूर यहाँ का पुराना? हाँ सबसे पुराना। 1972 क्या खासियत है आपकी? ये खासियत है जी, पीठी बनती है दाल की, माँ की दाल की पीठी डालते हैं पीठ पूरी में। अच्छा, जो अंदर पीठी रहती है वो दाल की रहती है? हाँ जी हाँ। और क्या उसका प्राइस रहता है? प्राइस दो पूरी है 30 रुपए की प्लेट। अच्छा, सबसे मशहूर है। हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए। हाँ एक प्लेट लगा भी। चलो भाई इधर हमारी प्लेट आ चुकी है तो अभी ट्राई करते हैं। इधर चने और साथ में आलू की ग्रेवी बढ़िया सी मिल जाती है और साथ में ये प्याज और नींबू का अचार और ये चीज़ बड़ी अलग है ये वाली। ये क्या इसे क्या आलू का चाट? ये आलू का चाट है भाई, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई। अच्छा ये देखो ये जो है ना ज़्यादा किसकी लग रही है भाई। थोड़ी अंदर ना पीछे की फीलिंग है इसके अंदर। ट्राई करते हैं भाई। भाई सुबह का ब्रेकफास्ट यही करने लगे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ी टेस्ट में देखते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है भाई, अंदर की जो फीलिंग है ना जो पीठे के अंदर दी गई है, हल्की सी फीलिंग दी गई है, जिसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। आई थिंक सूजी की थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सूजी मिक्स है जिस वजह से काफ़ी क्रिस्पी है। चने और आलू के जो ग्रेवी का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये प्लेट भाई हमें पड़ी है 30 रुपीज़ की, सिर्फ चार के साथ ट्राई करते हैं। ये आलू का चालू के साथ ट्राई करते हैं भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम, सच में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला भाई, ये मुझे अलग ही चीज़ लगती है भाई। मैंने पहले सोचा शायद वो जो मूली होगी, मैंने सोचा उसका अचार होगा साथ में। इसका टेस्ट मालूम नहीं चला भाई क्या है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आया। सेपरेट खा के देखते हैं भाई फिर पता चलेगा। है आलू की तरह ही बट ये ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, वो मसाले वगैरह की वजह से है। बड़ी डिफरेंट तो मुझे कुछ लगा नहीं भाई आलू के साथ, बट पूरी इनकी कमाल की है भाई। पूरी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरी का साइज़ देखो, पूरी बिल्कुल मीडियम साइज में है और अंदर की थोड़ी सी हल्की सी पिलिंग जो की गई है ना मसाले की वो बढ़िया है बिल्कुल ही, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना पूरी छोले का। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या हम जाते हैं ना तो थोड़ा सा क्या उससे बोलते हैं कि ज़्यादा प्लेटिंग में ज़्यादा बढ़िया करते हैं, पर जो टेस्ट स्ट्रीट छोले भटूरे वाले का वो ये है भाई। तो अभी खा के फिर मिलते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्पॉट पे भाई। यहाँ मिलता है भाई सिर्फ भाई 10 रुपए का जूस नहीं है, बनाना शेक मिलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जूस मिलता है भाई, मैंगो शेक है, बनाना शेक है। अच्छा अच्छा, मेन जो है वो शेक ही मिलते हैं, बनाना शेक हो गए, मैंगो शेक हो गए। 10 से स्टार्टिंग है और 20 से भाई दिया है, कोई ज़्यादा 30, 40, 50, 60 वाला प्राइस नहीं है, सिर्फ 10 रुपीज़ का जूस
शेक यहाँ नॉर्मल वो चेक करो भाई, प्योर मैंगो भाई, कोई दूसरा कलरिंग वाला नहीं है, बोतल वाला आपके सामने। तोता भरी बढ़िया जो आम होता है, क्या बात है यार। सो यार अभी भैया के पास ट्राई करते हैं, ये भी ब्रेकफास्ट में आ जाता है यार, बढ़िया सा शेक तो करवाते हैं, एक बनाना शेक और मैंगो वाला, देखते क्या टेस्ट है भाई। प्राइस तो भैया ने कम रखा है, तो अगर टेस्ट भी कम होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। ये हमारे लिए दो ग्लास नेचुरल कलर है भाई, कोई एडेड कलर नहीं है। ये देखो कई बार क्या होता है कि जो बोतल वाला होता है ना वो डाल देते हैं, उससे ना थोड़ा ज़्यादा येलो येलो सा कलर आ जाता है, बट ये बिल्कुल ऑर्गेनिक येलो कलर, जो वही मैंगो का असली जो कलर आया ना वो ये वाला है भाई। 10 रुपीज का सिर्फ भाई ग्लास है, ग्लास पूरा फुल करके दिया भाई ने, ये ऊपर भाई 20 वाला है, ये देखो भाई ग्लास बड़ा ग्लास है भाई, पूरा 20 वाला है भाई ये। और ये टेस्ट में देखते हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे घर में मैंगो का जूस बना के वैसा पी रहे हैं ना, वैसा टेस्ट आ रहा है भाई। क्या बात है यार, सच में ट्राई करने वाला भाई ये, भाई एक बनाना वाला भी ट्राई करेंगे। लो भाई ये आ गया बनाना वाला जूस भाई हमारा, मैंगो सॉरी बनाना है भाई, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। चलो ट्राई करते हैं आज के टाइम में भाई 10 रुपये का ग्लास, वो भी शेक का, बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा भाई आपको। अगर आपने ट्राई करना तो भाई अमृतसर में आपको 2-3 स्पॉट हैं यहाँ जहाँ आपको 10 रुपये वाला ग्लास मिल जाएगा। बढ़िया है भाई, एक नंबर है भाई, जगह की लोकेशन है वो आपको भैया बताएंगे। टेलीफोन चेंज बड़ा मंजा उसके पास, मंजे के पास। और टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। भाई देख लो कि जब भी आप अमृतसर आते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, यहाँ अमृतसर 2-3 स्पॉट हैं भाई यहाँ जिसमें आपको 10-10 रुपये के भाई शेक मिलते हैं भाई, बस अमृतसर में भाई मैंने तो देखे हैं। अगर आपने ट्राई करना है ना तो आप ट्राई कर सकते हो, भैया ने आपको लोकेशन बता दी है। ओके सो गाइस, आई होप आपको यार ये छोटा सा ब्लॉग बढ़िया लगा, अगर आपको ब्लॉग बढ़िया लगता है तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि और भी ऐसे फूड ब्लॉग्स आते रहे। सो सी नेक्स्ट वीडियो, स्टिल एंड बी स्ट्रॉन्ग, कीप स्माइलिंग दी एंड।